मैं अवनीशकांत गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि नगरपालिका परिषद शमशाबाद। कल शमशाबाद गांधी चौराहे पर बजरंग दल के कुछ कथित कार्यकर्ताओं ने, जिसमें गिरीश कुमार प्रमुख रूप से, अशोक कुमार शमशाबाद से, वीरेश कुमार शमशाबाद से, हरिंद्र राठौर फतेहाबाद से और पार्थ राणा, जो कि अपने आप को बटेश्वर का बताते हैं, इन्होंने मेरा पुतला फूका। पुतला फूकने का इन्होंने जो कारण बताया कि नगर पालिका में हमको कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई और वहाँ पर कार्यक्रम जब हम करने जा रहे थे तो अवनीशकांत गुप्ता ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो मैं उनसे ये जानकारी चाहता हूँ कि उनको कार्यक्रम करने की जो अनुमति दी गई, क्या उनके पास लिखित में कोई अनुमति थी? क्या ऐसी कोई अनुमति थी कि हम अपने सभागार में उनका कोई कार्यक्रम हो जाने देंगे? हम एक सरकारी संस्थान में किसी भी राजनीतिक संगठन का कार्यक्रम कैसे हो जाने देंगे? उसके बाद इन्होंने पुतला फूका, बल्लो चोर है, बल्लो मुर्दाबाद, इस बात के नारे लगाए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई एक अपना कैंपस सरकारी अगर किसी को नहीं देगा तो क्या वो चोर साबित हो जाता है? मैं इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इसी विचार परिवार से मैं भी हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर के काम किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे, क्या ऐसा कोई आपको कैंपस नहीं मिलेगा तो क्या आप इस तरह की कोई चीजें पेश करेंगे? मैं शीर्ष के पदाधिकारी जो भी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हैं उनसे कहना चाहता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ इस मामले को संज्ञान में लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे ही कुछ लोग हैं जो इस तरह हमारे संगठन को बदनाम करते हैं और उसका जो वर्चस्व है उसको घटाने का काम करते हैं, और इन लोगों के खिलाफ मैं एक लीगल नोटिस, मानहानि का भी मुकदमा कायम करूंगा, ऐसा मेरा अपना सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जिन लोगों ने कल पुतला फूंका उनका ये कहना था कि मीटिंग करने के लिए आपने कहा था कि आप हॉल में मीटिंग कर सकते हो, उसके बाद आपने फोन बंद कर लिया, ये बिल्कुल झूठ है कि हमने ये कहा कि मीटिंग हॉल में आप जो क्या कार्यक्रम कर लेना, हमने इनसे कहा नगर पालिका परिषद में कर लेना। हमारे मीटिंग हॉल में क्षमता है 20-25-30 लोगों की बैठने की, इनके 100 लोग हम उसमें कैसे बैठ जाने देंगे? हमने इनको बाहर अनुमति दी थी और मोबाइल स्विच ऑफ होने का कारण तो ये है कि मैं आपको विस्तृत में ये नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी एक बैठक थी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समाज का चुना गया हूं, तो मेरी एक अपनी बैठक थी, उसमें बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था, और मोबाइल स्विच ऑफ करने पर, ऑन करने पर, ये तो आदमी की व्यक्तिगत मनसा है, वो कभी भी स्विच ऑफ कर सकता है और कभी भी उसको खोल सकता है।